home as contributing to the broader ideas of justice and equality in independence later. पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ आने के लिए, और दूसरा मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि मैं सोबर टेंथ यहाँ पर जुबिनार हूँ चंडीगढ़। और जो आपका सवाल है, जहाँ तक जस्टिस का सवाल है, जहाँ बच्चों को बराबर जस्टिस दिया जाता है और जहाँ पर बच्चों को इक्वल राइट पढ़ने लिखने का और वोकेशनल कोर्सेज और डिसिप्लिन और जहाँ पर योगा प्रैक्टिस जो कुछ भी हम देते हैं स्कूल के अंदर, वो बिना किसी ये लाग लपेट के इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता, बच्चा कहाँ से आया, क्या क्राइम कर गया। हर बच्चे को जहाँ इनोसेंट ट्रीट किया जाता है और उसी के हिसाब से जो भी जहाँ पर चलता है वो सब बच्चों के लिए बराबर चलता है। लेकिन ये अलग बात है, कुछ बच्चों के कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होते, उन जिस चीज़ में जिस बच्चे का इंटरेस्ट है वही चीज़ उसको हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन किसी बच्चे को फ्री नहीं रहने दिया जाता और उनको टाइम टू टाइम रेस्ट है, टाइम टू टाइम गेम गेम स्पोर्ट्स ही है, वो इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, और उनके वोकेशनल कोर्सेज हैं, उनको जनरल एजुकेशन दी जाती है। जहां हमारे 10वीं और प्लस टू के बच्चे, उन्होंने जितने भी एग्ज़ाम दिया है सब टॉप किया, 10वीं और 70% से ऊपर उनके मार्क्स आए, तो उनका क्या है, बच्चों ने भी इंटरेस्ट लिया है, उनकी प्रॉपर उनका क्या था, उनकी काउंसलिंग और जो भी उनको प्रोवाइड किया गया। काउंसलिंग एक मेन मुद्दा होता है कि बच्चों को चीज़ में ये बताया गया कि एजुकेशन उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें देने के लिए जो भी हमें करना पड़ता है बच्चों की बेहतरी के लिए, वो स्टेप जो है हम बेहतरीन तरीके से उठाते हैं और बड़ी चाइल्ड फ्रेंडली काम होता है। बच्चों के हिसाब से, बच्चों को जो बेहतर तरीके से बच्चों के लेवल में हम झुकते हैं, बच्चों को लगता है कि स्टाफ हमारे साथ बड़ा फ्रेंडली मित्रतापूर्ण, हम उनके साथ फ्रेंडली हैं लेकिन फ्रेंड नहीं है, लेकिन जो हमारा दर्जा है वो अपने दर्जे पर हम उनके साथ, और मेरे को लग रहा है कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम हो रहा है। और बच्चों से हमारे को फीडबैक, बच्चों से वो रिजल्ट, बच्चों को अलग बुलाकर भी हम दफ्तर में पूछते हैं, हर बच्चे की फीडबैक भी डेली लेते हैं कि बच्चा कहाँ खड़ा है, वो हाउस मदर केयर टेकर जो जहाँ काम कर रहे हैं, जो टीचर आते हैं उनसे भी हम ये जानना चाहते हैं, और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। और जो हमारा पर्पज है, जो जुबिनाइल होम का पर्पज है, जहाँ इम्प्रूव होने के लिए बच्चे आते हैं और उनको प्रॉपर इम्प्रूव किया जाता है, उनके विचारों के ऊपर हम ठोकर मारते हैं और उनको, अगर वो गलत विचार हैं जब तक वो नहीं निकलेंगे, अच्छा पैटर्न नहीं बनेगा उनके अंदर, अच्छा थॉट प्रोसेस नहीं, अगर मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी नहीं होगी तो बच्चे अच्छे नहीं हो सकते। उनकी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए जो कुछ भी हमें करना पड़ता है वो हम कर रहे हैं उस चीज़ का। हाँ, जो बिगेस्ट चैलेंजेस हैं वो ये प्रॉब्लम आती है, जो बच्चे हमारे पास होते हैं जे ऐसे परिवारों से आते हैं जो परिवार अनपढ़ हैं, जब बच्चे उनको केयर नहीं दे पाते, पेरेंट्स उनको केयर नहीं दे पाते, और बच्चे जो हैं और उनका जो बाहर उनका पीयर ग्रुप भी वैसा है, और जहाँ उनका लैक ऑफ एजुकेशन है, जहाँ उनको एजुकेशन देने का मौका नहीं है परिवारों के अंदर, जहाँ उनके परिवार के पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो बच्चे जो हैं ना बाहर उनको एक माहौल, एक अच्छा एटमोसफेयर नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एटमोसफेयर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट, आपके एसोसिएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। और कैसे लोगों में रहते हो आप, कैसे परिवार में आपकी पर्पल परवेश हुई है, कैसे स्कूल में आप एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं जो आप जब आपको प्रोवाइड नहीं होती है तो बच्चों का क्या है, वो डिग्रेड, वो डाउन लेवल में है, मतलब बच्चे क्योंकि एजुकेशन इज मस्ट, वो जरूरी है हर बच्चे के लिए, तो बच्चे जो है वो थोड़ी गलत एक्टिविटी में उलझ जाते हैं। जब यही बच्चे हमारे ऊपर आते हैं तो हमारे पास आते हैं तो हमारे लिए यही चैलेंज है कि उसकी सोच को कैसे बदला जाए, तो कुछ हम स्पेशल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, डिसिप्लिन के लिए जो भी है मोटिवेशनल लेक्चरर होते हैं, कुछ अनुभवी लोग हैं जो उन लोगों की मदद लेते हैं, या टीचर है, सबसे पहला हमें रोल यही अदा करते हैं कि उनको ये वैल्यू उनको दी सिखाई जाए, उनको डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो हमारे जीवन की बुनियाद है, किसी भी सभ्यता की, किसी भी देश की, किसी भी सोसाइटी, किसी परिवार की अगर बुनियाद है तो वो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के बिना कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उनके अंदर ये वैल्यू को बिल्ड किया जाता है, कैरेक्टर को बिल्ड किया जाता है, और उनकी सोच को, जो गलत चीज़ें हैं उनको जो है ना, हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम झूठ मत बोलो, हम बोलेंगे सत्य की वैल्यू क्या है, हम पॉजिटिव चीज़ देते हैं तो नेगेटिव चीज़ें अपने आप ही उनके अंदर भाग जाएंगी, हम ये बताएंगे कि ईमानदारी क्या चीज़ है, सच्चाई क्या चीज़ है ना,
और सेवा क्या चीज़ है, फिर उनको बेईमानी को बताने की जरूरत है, भाग जाएंगे, झूठ अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि उनको अच्छी चीज़ें जो जब प्रोवाइड होती हैं तो गंदगी को कौन मुंह मारेगा, जब हीरे जवाहरात मिल जाएं तो कंकड़ पत्थर को कौन रखेगा। तो हम उनके एक तो ये हमारे पास चैलेंज आता है, फिर उनका इंटरेस्ट नहीं है एजुकेशन के अंदर, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाता है कि एजुकेशन में क्यों आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसे ही उनको कुछ ये चीज़ें सिखाने के लिए लोग बच्चे जो है ज़्यादा वो विजुअल चीज़ों से देखते हैं, सुनते गए हैं और देखते हैं, इसलिए हमारे पास स्मार्ट बोर्ड लगे हैं और उनके माध्यम से भी हमने उस ऑडियो विजुअल ऐसी अच्छी चीज़ें वो सांटते रहते हैं कि बच्चों के लिए क्या दिखाएं, क्या बेटर रहेगा। और उन चीज़ों को करने के लिए अगर हम जैसे भजन हैं, कीर्तन हैं, वो भजन कीर्तन हम चलते फिरते उनको बोलते हैं कि यार तुम्हें जो भी लगता है, अगर वो कोई मुसलमान है तो नमाज करे, है ना, वो अल्लाह ताला को जैसे भी याद करता है वो वैसे करे, ऐसे कोई सिख है तो वो किस तरीके से याद करता वैसे करे, हिंदू है तो वैसे करे, क्रिश्चियन, तो वो उनको बोलेंगे कि हाँ। फिर उनको बताया भी जाता कि बेटा तुम अलग अलग तरीके से खुदा को मानते हो, परमात्मा को मानते हो, पर दिमाग में कभी ये गलती मत आने देना कि दुनिया में अलग धर्म है, हम एक ही परमात्मा को, एक ही ईश्वर को, एक ही उस कायनात का जो मालिक है और वो कायनात ही बना हुआ है और उसी को हम मानते हैं। ये फतूर हम उनके दिमाग से निकालते हैं कि ये जो लोगों ने हमने बैठा दिया उनके दिमाग में, फिर उनके दिमाग में मतलब जब भी हम दूसरों को नुकसान देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में वही चीज़ें आएंगी जो हम दूसरों को दे रहे हैं, हैं, जैसे बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन और इक्वल ना ऑपोजिट डायरेक्शन। हम समाज को जो परोस रहे हैं ये मत सोचो कि हम किसी को दे रहे हैं, वो समाज में वही तुम दुनिया में प्यार दे रहे हो, प्यार तुम्हारे पास आएगा, तुम नफरत दे रहे हो, नफरत तुम्हारे पास आएगा, तुम दूसरे का गला काट रहे हो, तुम तैयार रहोगे तुम्हारा गला कटेगा, आज नहीं तो कल कटेगा। तुम जो भी समाज को देगे समाज में से वापस वही तुम्हारी ही बोली हुई गूंज तुम्हारे पास इको आ रही है, आवाज़ आ रही है। तो इसलिए बच्चों के पास, इनके पास काम करने के लिए ये जो है जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी रुकावटें हैं, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, वो बीमारी को देखना पड़ता है, रूट कॉज क्या है, उस रूट कॉज को पहले हटाना पड़ता है, फिर हटा कर जब फिर हम जो मेन फोकस है वो जो हमने करना है वो भी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती है। इसलिए मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जब इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जैसे हम फ्लैग को अनफर्ल करते हैं, उसका राष्ट्रीय गान होता है, तो वहीं हम जो बच्चों को एक वहाँ एक लेक्चर डिलीवर करते हैं जिसके अंदर यही बताया जाता है कि इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, क्यों इंडिपेंडेंस हम मनाते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, और फिर जो वैल्यूज हमें क्या करना है, अगर हम आज़ाद हैं तो हमारा रोल क्या है, जो हमारे शहीद हैं उनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। और अगर इन्हीं की उम्र के बच्चे हैं, जो 23 साल का भगत सिंह जी बोलते हैं कि मेरे को अंग्रेज साहब सरकार या जेल की दीवारें तो क्या बंद करेंगे, मेरी तो राख भी ये बंद नहीं कर सकती, अगर मैं चाहूँ तो जहाँ से निकलता, क्योंकि मैं आज़ाद ख्याल हूँ, तो आज़ाद ख्याल के भगत सिंह को कोई दीवार नहीं बनी जो बंद कर सकी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे थॉट्स, बिकॉज थॉट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्स इन द यूनिवर्स, ठीक है, तो जब अगर विचार हमारे ताकतवर हैं, हमारी विल पावर स्ट्रांग है, हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, तो दुनिया में कोई ऐसी दीवारें नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हमारे को बंद कर सके, जो हमारे को गुलाम कर सके। हम बच्चों को वही प्रोवाइड करना चाहते हैं जो हमारे शहीदों ने, हमारे देश के देशभक्तों ने जो काम किए हैं, वो एक तो हम वो सिखाते हैं कि उन लोगों ने क्या काम किया और वो चल भी जाओ, उसके ऊपर भी हमारा ये मेन फोकस रहेगा कि उन दिन भर में उस दिन बच्चा हमारे स्टाफ है उनकी छुट्टी बनकर जहाँ ही हम पूरा दिन काम करते हैं कि भाई बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाए कि इंडिपेंडेंस डे को किस पर्पज़ क्या है, उसका मकसद क्या है। अभी हमारे जो महापुरुष उन्होंने तो रोल अदा कर दिया, हमारे देशभक्तों ने रोल अदा कर दिया, अभी इस देश को बताने के लिए, बनाने के लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा, हमारा रोल अभी शुरू होता है, और हम जब तक जीवित हैं वो रोल हम बहुत लगन के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, अपनी इंटेंशन के साथ और बड़े डिटर्मिनेशन के साथ उसको पूरा करें, ठीक है। तो वो बच्चों के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा उन चीज़ों को, जो भी चीज़ देनी है बहुत बेहतर तरीके से हम प्लानिंग करेंगे, जो चीज़ें नहीं है वो अभी भी हम प्लानिंग करेंगे वो चीज़ें सब। और ये नहीं है कि 15 अगस्त पर ही हमारा, 15 अगस्त होने के बाद, इंडिपेंडेंस डे होने के बाद भी हमारा रोल कायम रहता है, ठीक है। और ये नहीं है कि हमारा दिन निकल, सभी जन्म निकल गया तो हम भूल जाते हैं, हम देखते हैं कि हम हैं किस लिए, हमारे देश के प्रति हमारी ड्यूटी क्या है, हमें क्या करना है और समाज के बीच में हमने क्या करना है। और हमने तो अभी एक और भी जो हमने
ये अपने दिमाग में सोच लिया है कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि ये बच्चे हैं, इन्हीं को क्यों ना लीडर बना दिया जाए। अभी हमको इनको लीडर, ये अच्छे लीडर बने और समाज में जाकर ये लीडर का काम करें, जो आज हम इनको सिखा रहे हैं। और इनको हम ये दे रहे हैं कि लीडर का काम लीडिंग एक्शन होता है, उसका पुशिंग एक्शन ही होता है। और लीडर हमेशा एग्जाम्पलरी होता है, लीडर अपनी ज़िंदगी में वही करता है जो वो दूसरों को देना चाहता है, उसकी अपनी ज़िंदगी में वो होना चाहिए। और हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि एक अच्छा लीडर कैसे बनना है, और तुमने जहाँ नहीं रुकना है। पहले तो हम इनको बेहतर करने के लिए लगे होते हैं, हम अभी उस स्टेप में जाने जा रहे हैं कि जो 15 अगस्त में भी हम कसम खाएंगे कि हम खुद अच्छे लीडर बनेंगे। और लीडर का मतलब तो वो जो क्वालिटीज हमने दूसरों को देने हैं, तो वो हम अपने अंदर को पैदा करें। और वो बेहतरीन तरीके से बच्चों को उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। और यही इंडिपेंडेंस के डे पर हमारी उस दिन कसम भी होएगी कि हम बेहतरीन लीडर अपने अंदर ही पैदा करें और समाज को जितना वो बेटर कर सके, जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हम करें। जय हिंद।